The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. खबर देपालपुर के एटाहेड़ा गांव से, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से हुआ है घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए इंदौर रेफर कर लिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर शुभम पटेल के साथ। बोले गिर जाएगा कल से, तो मौत हो जाएगी, तो नहीं हटाओ। फिर बोले मैं तुम्हारी माँ चो तुम डाल कर, मतलब गाड़ी वाले नहीं मिल गया, और उसका घर पास में है। अच्छा। तो उसने वहाँ से जाके वो लेके आ गया हत्या करता, उसके भाई को, उसके बड़े भाई को, उसके पापा को बोला के और हम पे हमला करने लगे। कितने लोग थे वो? वो 8 जने समथिंग थे। नीलेश पटेल। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने मार पोल के, और हमने भी फिर दिया। अच्छा। तो बाजी और हमारे पापा थे, उनको नीचे गिरा दिया, और वो जो बड़े बड़े हथियार आते हैं उससे तलवार थी क्या? तलवार नहीं, उसका खा जालिया जाता है गांव में, बोलते हैं धारा पर से, बोलते हैं ना उसको। अच्छा। आपका नाम? नीलेश पटेल। सर, आज जो देपालपुर में, देपालपुर थाना क्षेत्र में जो मामला हुआ, उस बारे में बताया सर, क्या मामला हुआ? एक झगड़ा हुआ है ग्राम अटाड़ा में, तो उसमें खाती समाज के दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा किस बात को लेके हुआ है, झगड़ा किन किन में हुआ है, ये भी पूरा डिटेल पता कर रहे हैं। हमें सूचना मिली, तत्काल घायल को रेफर किया गया है, एक व्यक्ति इसमें मृत हो गया है, और इसमें अभी फर्दर जाँच करके घायल भी है सर। मुलजिमों को भी सर गिरफ्तारी सर बताई जा रही है कि थाने में सरेंडर कर लिया, ऐसी चीज़ भी सामने आई है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं है सर, नहीं।